चंबल नदी में नर्मदा नदी का जल मिलने की सरकार की ओर से हरी झंडी मिल चुकी है। इस दौरान नगर पालिका परिसर हाल में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत, क्षेत्रीय विधायक दिलीप सिंह शेखावत का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। गौरतलब है कि कई समय से मांग उठ रही थी कि चंबल नदी में नर्मदा नदी का पानी मिलाया जाए, जिसको सरकार ने पूरा करते हुए हरी झंडी दे दी है। अब मैं स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ नगर के प्रथम नागरिक आदरणीय अशोक मालवी जी को। अशोक मालवी जी स्वागत करते हुए मिठाई लाओगे थोड़ी सी खिलाएंगे। सभी कार्यकर्ताओं का हमें स्वागत के लिए उधर भी करता हूँ। अशोक जी हमारे नागदा ग्रामीण के अध्यक्ष मांगू आपसे अपनी स्वागत करें। लाओ माला ना अपन अच्छी मांग करें। अपना राशि बता रहे कभी नहीं का करें। हाँ इन्हीं का कर मना नहीं करेंगे। ये मना करें तो नहीं बोलेंगे। हमारे नगर पालिका के ओपीडर जी लोग हमें नहीं करता है यहाँ की स्वागत करें। हमारे नगर पालिका के पार्षद और एल्डरमैन आशीष लोहरा जी, सुभाष शर्मा जी आशीष लोग स्वागत करें। नगर पालिका के जो भी पार्षद हो तथा जो मंडल के पदाधिकारी उपस्थित घर पर भी स्वागत करें, मोर्चों के अध्यक्ष को भी स्वागत करें। सबका साथ सबका विकास। सुनहरा दिन है आज हमारे नागदा नगर में। पवित्र पावन माँ चंबा मैया में नर्मदा जी का पावन जल माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, माननीय केंद्रीय मंत्री थावरचंद जी गहलोत साहब के आशीर्वाद से, माननीय विधायक जी के प्रयासों से, आदरणीय हमारे वरिष्ठ समस्त पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, जो वर्षों से इस नागदा नगर की धरती की और किसानों की जो मांग थी कि चंबल के अंदर माँ नर्मदा का पानी अगर आएगा तो पूरे पूरे क्षेत्र के अंदर एक हरित क्रांति हम सबको देखने को मिलेगी और पूरा हमारा जो कैचमेंट एरिया है पूरे जिले के साथ साथ नागदा नगर के आसपास के जितने भी हमारे गांव हैं जो माँ चंबल से लगे हुए हैं और जिन किसानों को अपनी उपज में बड़ी परेशानी आती थी, पानी की परेशानी आती थी, पूरे 12 महीने हमारा यह डैम और माँ चंबल मैया प्रभावित होगी माँ नर्मदा के जल से।
आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय हम सब के नेता नाथा नगर के गौरव आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा जब उस कार्यक्रम में मंच से उनसे निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकार आप आज के दिन इस शुभ अवसर पर जहां पर मजदूरों के कल्याण की बात हो रही है, असंगठित मजदूरों के हितों की बात हो रही है और आप जन कल्याणकारी योजनाएं मजदूरों के हित के लेके आए हैं और मैं भी नागदा नगर में इंडस्ट्रीज का एक मजदूर के पद पर रहा हूँ, इसलिए मेरी मन की दशा है और मेरी आत्म इच्छा है कि आज आप नागदा नगर के किसानों के लिए, ग्रामीणों के लिए, मजदूरों के लिए और नागदा नगर के आसपास के रहवासियों के लिए माँ नर्मदा को लेकर नागदा में चंबल लाने की अगर घोषणा करेंगे तो नागदा नगर पर और नागदा नगर की जनता पर और जिले पे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आपकी कृपा होगी। मैं जनता के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबके सहयोग समर्थन और आप सबके प्रयास से ही ये अनूठी सौगात नागदा नगर को मिली है। आप सबका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि एक वर्ष पूर्व आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय मंत्री जी और विधायक जी और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भोपाल के अंदर एक बड़ी मीटिंग आहूत की गई थी और चंबल के अंदर माँ नर्मदा जी का पानी कैसे आए उसके लिए बड़ी बैठक आहूत की गई थी और उसी का आज परिणाम है कि नागदा नगर में माँ चंबल के अंदर नर्मदा जी का जल आज पवन हम सबके लिए आने वाला है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज बड़ी संख्या में आप सब लोग कार्यकर्ता इस अनूठे आयोजन में आज सब शामिल हुए थे और आज छोटी सी सूचना पे आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए, आप सबका कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करता हूँ, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। किसी को जानकारी अलग से आज इस कार्यक्रम में मैं संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की तरफ से माननीय थावरचंद जी गहलोत जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सब से भी निवेदन करवा के तालियां बजा के आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हम सब के आशीर्वाद दाता माननीय लाल सिंह जी राणावत साहब, हम सब के वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य माननीय डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, हम सब के लोकप्रिय मंडल के अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी, नगर पालिका के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय अशोक जी, भारतीय जनता पार्टी के खाचोद ग्रामीण के अध्यक्ष आदरणीय मांगीलाल जी पाटीदार जी, जिले के हमारे पदाधिकारी आदरणीय धर्मेश जी, पंकज जी, आदरणीय जीवन भैया, ओपी भैया, अन्य आदरणीय राकेश जी, अन्य उपस्थित सभी मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ, वरिष्ठों को प्रणाम करता हूँ और युवा दोस्तों, आज नागदा खाचोद विधानसभा के लिए आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि अभी तक मैं ये कहता था कि लगभग मेरी विधानसभा में 2000 करोड़ के विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन आज हमने वो इतनी ऊंची छलांग लगाई है जिसकी कल्पना भी शायद इस विधानसभा के मेरे किसी भी आशीर्वाददाता को नहीं होगी। आज हमने 2200 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब 22 गांव की योजना मंजूर हुई 29 करोड़ की और उस वक्त कई तरह के प्रश्न इस नागदा शहर में उछले थे, कुछ प्रश्न उछाले भी गए थे, लेकिन जब मैंने माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने बात करी और उन्होंने निश्चित रूप से मेरी हिम्मत बंधाई और इन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल हम पानी का पर्याप्त व्यवस्था करेंगे और लगातार आपके द्वारा लगातार प्रयास किया गया। मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलता रहा, कभी हम चामुंडा माता मंदिर के वहां पर डैम की बात करते रहे, हम कभी मिनावट खेड़ा की बात करते रहे और लगातार प्रयास के बाद में फिर मैंने एक दिन माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी और मैंने कहा कि माननीय थावरचंद जी गहलोत जी की उपस्थिति में हम एक बैठक करना चाहते हैं जिसमें उद्योग समूह के भी वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे, संपूर्ण जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, हमारा नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के सारे अधिकारी और ऐसे करके लगभग 20 अधिकारी भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास में वो बैठक प्रारंभ हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब माननीय गहलोत जी ने उनसे बात करी निनावट खेड़ा डैम की, चामुंडा माता डैम की और माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने एक
कदम आगे बढ़ के ये कहा, मैं चाहता हूँ माननीय गहलोत जी नागदा शहर की और नागदा के आसपास के ग्रामीण और खासकर शहर की मैं पानी की समस्या को हल करना चाहता हूँ। और क्या बेहतर हो सकता है, लगभग एक घंटे की बैठक हमारी वहां पर चली और अंत में यह तय हुआ कि माँ नर्मदा को हम चंबल के अंदर लाएंगे। और इसमें वास्तव में मुझे भी विश्वास नहीं था और मैं लगातार जिद करता रहा निरावट खेड़ा की डैम की। और अंत में फिर माननीय गहलोत जी ने कहा कि जब बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो दिलीप छोटे लक्ष्य को छोड़ देना चाहिए। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है तो हम नर्मदा को जरूर लाएंगे। और मैं लगातार प्रयास करता रहा। मैं लगभग जनवरी के 15-16 जनवरी के आसपास मैं NVDA के अधिकारियों से मिला, प्रमुख सचिव से मिला और मुझे लगभग ये आश्वस्त कर दिया गया था कि 2200 करोड़ की योजना बन गई है, हम बजट में ले लेंगे। जिस दिन मेन बजट विधानसभा की पटल पे रखा गया और वो राशि उसमें नहीं थी तो मैं फिर निराश हुआ। मैंने फिर माननीय गहलोत जी को दिल्ली फोन करा, मैंने कहा भाई साहब मुझे लग रहा था कि इस बजट में 2200 करोड़ का प्रावधान हो जाएगा लेकिन 2200 करोड़ रुपए बजट में नहीं आया। मेरे कुछ पत्रकार साथियों को उस वक्त भी कुछ समाचार पत्रों में छपा भी था। और आज जब मुझे आदरणीय गहलोत जी मंच पर बैठे थे, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं आए थे, आपने मुझे कहा दिलीप चूंकि आज श्रमिकों का मामला है और हमारा उद्योग जो एशिया का सबसे बड़ा उद्योग है और अगर आज हम इसकी घोषणा करा देते तो शायद एक बड़ा दिन होगा और 50,000 लोगों की उपस्थिति में अगर घोषणा होगा तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब का मान बढ़ेगा। और लगातार मैं 15 मिनट तक सारे अधिकारियों से मैंने बात करी। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि हम वो लोग हैं कि जब हमने 9 फ्लाईओवर का भूमि पूजन करा था, लोग पहले भूमि पूजन करते थे और वर्षों तक पत्थर लगता था लेकिन हम भूमि पूजन जब करते हैं जब काम प्रारंभ हो जाता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 लोगों की उपस्थिति में जो घोषणा करी है वो 2200 करोड़ की योजना है और लगभग 2200 करोड़ की योजना है और लगभग 139 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के द्वारा पानी आएगा नर्मदा जी का। जो हमारा ओकारेश्वर डैम है उस ओकारेश्वर डैम से हम लगभग जो पानी वहां से लेंगे 15 क्यूमेक पानी वहां से हम लेंगे और 15 क्यूमेक पानी लेंगे उसमें से हमें 150 MLT पानी दिया जाएगा। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा कि 150 MLT होता 1.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी हमारे शहर को मिलेगा, 1.5 करोड़ लीटर। अभी वर्तमान में जो हमारे पास पानी है वो 7.66 करोड़ लीटर प्रतिदिन के हिसाब से हमारे पास पानी है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस पाइपलाइन को जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो देवास और इंदौर के बीच में जो शिप्रा जी है उसमें एक बहुत बड़ा तालाब नुमा एक स्टोरेज टैंक बना रखा है, उस टैंक को हम भरेंगे। एक हमारी तराना की तरफ लाइन जाएगी जिसमें हम 30,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करेंगे और 1.5 करोड़ लीटर प्रतिदिन पानी हमारे शहर को मिलेगा। मुझसे जो आज अधिकारियों ने जो मिस्टर तोमर है इंदौर के अंदर उनसे मेरी बात हुई है, उन्होंने जो मुझसे प्रारंभिक रूप से कहा कि हम इस पानी को कहाँ मिलाएं तो मैंने भाई साहब सुझाव दिया कि जो नायन के पास डैम है उस डैम के वहां पर नागदा खाचरोद रेलवे 22 गांव का जो हमारा पीने का पानी 29 करोड़ की योजना है और प्लस उद्योग समूह में जो उद्योगों में जाने वाला, मैंने कहा वहीं पर अगर उस पाइपलाइन के द्वारा पानी डालेंगे तो मुझे लगता है कि सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएगी। मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, इसका टाइम पीरियड जो सरकार ने तय करा है वो 3 साल का है लेकिन लगभग अधिकारियों से जो मेरी बात हुई है उन लोगों का ये कहना था कि हम टाइम से पहले इस योजना को किसी भी कीमत पर पूर्ण कर लेंगे। मैं माननीय गहलोत जी जितनी तारीफ आपकी करूं क्योंकि ये इसमें क्या असंभव काम थे, इसमें क्या असंभव काम थे। मैं एक खुश खबर और आज माननीय गहलोत जी की उपस्थिति में देना चाहूंगा कि हमारा जो एक पहले सपना था कि कुड़े और मलिनी नदी को हम 40 किलोमीटर भर देंगे तो लोग हंसते थे मुझ पे और मैं आया आप सब की उपस्थिति में और माननीय गहलोत जी के आशीर्वाद से हम नाथूखेड़ी से माननीय जितेंद्र जी की
विधानसभा से हमने डैम बनाना प्रारंभ करा था और शायद मध्य प्रदेश की पहली नदी होगी जिसमें हमने एक चार साल में चार डैम बनाए और उसको 40 किलोमीटर भरने के बाद में जब मैं कहता था कि बागेड़ी नदी को हम 40 किलोमीटर भरेंगे तो लोगों ने फिर मेरी हंसी उड़ाई थी। लेकिन माननीय गहलोत जी ने बीकमपुर के डैम का भूमि पूजन कर दिया। मैं माननीय गहलोत जी को बताना चाहूँगा प्रसन्नता से कि जो अधिकारियों की एक FFC बैठक होती है उसमें पारसुतिया के डैम को स्वीकृति दे दी है और मात्र 10 या 15 दिन में पारसुतिया का डैम मंजूर हो जाएगा और दो डैम के लेटर DPR के आ चुके हैं, बागेड़ी और कुड़ेल नदी पे बुर्जिया के पास में। इस प्रकार से चार साल में 12 डैम हम बनाएंगे। मेरी विधानसभा में केवल 70 साल में 3 डैम बने थे, तीनों पे भाजपा का नाम लिखा है। एक पे माननीय लाल सिंह जी राणावत जी जब विधायक थे झीलमिला का और दो माननीय जटिया जी ने बनवाड़ा और दो चितारा में बनाए थे और उसके बाद में जो बनाए हैं वो माननीय शिवराज सिंह जी की सरकार ने बनाए हैं। मैं पुनः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति, NVDA के मंत्री जी के प्रति और माननीय गहलोत जी के प्रति बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करूँगा संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र की तरफ से कि आने वाले कई वर्षों तक शायद अब पानी की समस्या संपूर्ण विधानसभा को नहीं होगी। शेखावत जी, पूर्व विधायक लाल सिंह जी राणावत साहब, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर बहादुर सिंह जी, नगर पालिका के अध्यक्ष अशोक जी मालवी साहब, मंडल अध्यक्ष राजीव जी धाकड़ साहब, इधर उधर हर कई हमारे सब पदाधिकारी बैठे हैं, उपस्थित बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, वास्तव में आज हम सब लोगों के लिए बहुत खुशी का दिन है। मैं जब से केंद्र में मंत्री बना तब से मेरे मन में ऐसा लगता था कि नर्मदा की जो पेयजल समस्या है और उद्योग चलाने के लिए जो पानी की ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए स्थायी उपाय करना चाहिए। मुझे वो दिन याद आए जब मैं देवास साजापुर संसदीय क्षेत्र से सांसद था और देवास में पानी की कमी के कारण देवास बैंक नोट प्रेस है वो भी बंद होने की कगार पर था, वो मैसूर शिफ्ट होने वाला था। मैंने उस समय किल्लर डैम से साजापुर के पास से बक्सी के पास से वो पानी ले जा करके बैंक नोट प्रेस को स्थायी नहीं रखा, इससे ज़्यादा योजना बनाई, उसमें विस्तार भी हुआ और उसका आधुनिकीकरण भी हुआ और आज वो फैक्ट्री पहले से डेढ़ी मात्रा में बड़ी होकर के और नोट छापने का काम कर रही है। फिर उद्योगपतियों ने मुझे कहा, देवास वालों ने, कि साहब देवास में ये जितने भी उद्योग हैं पानी के अभाव में बंद होने की स्थिति में है, आप एक योजना बनवाओ, मुख्यमंत्री से बात करो और नर्मदा का पानी हमको दो। तो उस समय मैंने मुख्यमंत्री से बात की थी तो उन्होंने कहा कि उद्योगों का भी कुछ सहयोग मिलना चाहिए, तो औद्योगिक संस्थानों के जो पदाधिकारी थे उनसे बात की, उन्होंने कहा हम 80 करोड़ रुपया देंगे इकट्ठा करके, सरकार के साथ योजना बनी और फिर देवास में नर्मदा का पानी लाए और वो जो उद्योग बंद होने की स्थिति में थे वो बंद होने की बजाय व्यवस्थित ढंग से चलने लगे। यहाँ भी जब औद्योगिक इकाई के पदाधिकारियों ने हमको कहा कि साहब हर साल महीने दो महीने डेढ़ महीने के लिए उद्योग बंद होने की स्थिति में आता है तो आप स्थायी उपाय कराओ, और बोले हमारा सुझाव ऐसा है कि जैसा आपने देवास में नर्मदा का पानी लाने में मदद की थी यहाँ भी इस प्रकार की मदद करेंगे तो अच्छा होगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से दो तीन बार बात की, उन्होंने कहा बैठकर विचार करेंगे, संभव है नहीं है ऐसा है। फिर मैंने दिलीप शेखावत जी से भी बात की कि ये तरीका हो सकता है, दिलीप जी ने दो तीन बार CM से बात की और एक दिन तय हो गया, और तय हुआ तो मैं व्यस्त था, मैंने कहा कि आज नहीं जाएंगे बाद में जाएंगे, CM ने समय दे दिया तो उद्योगपतियों ने कहा साहब हम हमारा हवाई जहाज बुला लेते हैं और आप और हम सब चलते हैं, तो आपको मालूम होगा ये अपने ही कि हवाई अड्डे से जब हम बैठ के गए थे
कुछ पत्रकार मित्रों ने लिखा था कि ऐसा कौन सा अर्जेंट काम था कि मिल वालों के कहने से तो वहाँ चले गए और यहाँ ये समस्या है, ये समस्या है, इस प्रकार की बात कही थी। पर हम उस दिन इस उद्देश्य के लिए गए थे और जब वो बैठक हुई तो चूँकि पहले से ही मैंने भूमिका बना करके कुछ ऐसी बातचीत करके गले उतार दी थी सीएम के। सीएम ने मुझे इतना जरूर कहा था कि आप उद्योगपतियों से भी बोलना कि देवास की भांति वो भी कुछ इसमें सहयोग करें। हमने इस बात पर जोर देने का प्रयास भी किया था पर बाद में बातचीत करते 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 ऐसी स्थिति आई कि दिलीप शेखावत जी ने, हम दोनों ने उनके ये बात गले उतार दी कि ठीक है साहब, उद्योगपतियों से भी जो हो सकेगा हम करवाने का प्रयास करेंगे, परंतु आज तो आवश्यकता इस बात की है कि मिल बंद नहीं हो और लोगों को पर्याप्त समय पानी मिलता रहे, ऐसी व्यवस्था कोई योजना बना करके करना है। उन्होंने उसी दिन सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी और एस के मिश्रा जी उनके सचिव हैं, उनको और पीएचई के और सिंचाई विभाग के जो प्रमुख सचिव साथ में बैठक में थे उन सबको कहा कि आप बैठ करके कार्य योजना बनाएं, डीपीआर तैयार करें और हमारे सामने प्रस्तुत करें। इस योजना को किसी भी कीमत पर सकारात्मक रूप देना ही है। अभी 3-4 महीने पहले से योजना का प्रारूप तैयार हो गया था, हम बताना भी चाहते थे परंतु मुख्यमंत्री जी का आग्रह था कि मैं एक बार नांदा आऊँगा और नांदा में कार्यक्रम करके स्वयं उस दिन घोषणा करूँगा। तो आज मैंने उनको कहा कि साहब आपने समय देने का कहा था परंतु व्यस्तता के कारण आप समय निकाल नहीं पाए और वो योजना तैयार होकर के टेंडर के लिए प्रचलित हो गई, टेंडर प्रक्रिया भी शुरू हो गई, टेंडर आमंत्रित हो गए और शायद 20-25 दिन बाद उसके टेंडर भी हो जाएंगे और टेंडर होने के बाद तो भूमि पूजन भी कर सकते हैं। इसी स्थिति में आप अगर आप जल्दी से कोई समय देने की स्थिति में हो नागदा में तो ठीक है, नहीं तो जिले में कार्यक्रम हो गया फिर आप कहोगे भाई साहब जिले में कार्यक्रम हो गया अब नागदा तो क्या है। तो अच्छा है, ये अवसर है कि आप असंगठित कामगारों के लिए देश भर में ऐतिहासिक योजना बना रहे हो जो हिंदुस्तान में किसी भी राज्य में नहीं बनी है। नागदा में भी मजदूर हैं, ठीक है 4-5 हज़ार मजदूर ऐसे हैं जो स्थायी हैं पर बाकी अस्थायी भी है, ठेकेदार लेबर भी है, अनेक प्रकार से जैसे असंगठित श्रमिक काम करते हैं उस प्रकार से भी काम करते हैं और इस प्रकार के काम करने वाले की संख्या लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 14-15 हज़ार होती है। तो जब आप इतनी बड़ी घोषणा कर रहे हो तो आज के इस अवसर पर ये घोषणा भी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पहले तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं नागदा आऊँगा, जल्दी समय निकालने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा आपने सारे शेड्यूल बना दिए, प्रदेश के हर ज़िले में आप जा रहे हो और फिर कहोगे कि हर ज़िले का कार्यक्रम हो जाएगा उसके बाद आऊँगा तो बहुत विलम्ब हो जाएगा, इसलिए आज ही कर देंगे तो अच्छा होगा। उनके बाद गले उतर गई, मैंने एमएलए साहब को बुलाया, मैंने कहा कि सीएम से बात हो गई, सहमत हो बात कर लो जरा, दोनों ने कहा, उन्होंने हाँ कर दी और आपने और हमने सबने वो देखा कि उन्होंने अपने संबोधन में ही नर्मदा को नागदा की चंबल में मिलाने की घोषणा की है। कहा है कि जैसे इसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, वर्क आर्डर हो जाएगा, वो खुद आएंगे और इस योजना का प्रारंभ करेंगे। आज के इस अवसर पर दिलीप शेखावत जी का, नगर पालिका अध्यक्ष का और बाकी सब इधर बैठे हुए हैं, आप सामने बैठे हैं, आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि आप सब लोगों ने प्रेरित किया, वातावरण बनाया, बार बार कहा कि नहीं स्थायी हल होना चाहिए, स्थायी हल होना चाहिए। तो आप सब लोगों की प्रेरणा से ये बात दिमाग में आई और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया, मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और इन सब के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ और सबको बधाई भी देता हूँ। आप सबको भी बधाई देता हूँ कि नागदा के लिए एक अच्छी सौगात अपने को मिली है, स्थायी हल हो जाएगा पानी की समस्या का, औद्योगिक इकाइयाँ भी बंद नहीं होगी और हमको जैसे भी हम प्रदेश में बहुत कम शहर है जो दोनों टाइम पानी देते हैं पेयजल की दृष्टि से और वो भी चंबल का पानी देते हैं, दूसरी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है। नगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है, इसलिए
नगर पालिका के चुनाव के टाइम हमने कहा था कि हम घर हर घर में चंबल का पानी पिलाएंगे, उस वादे को भी हमने पूरा किया है। बिरला ग्राम की झुग्गी झोपड़ियों में भी और बाजार में भी वो पानी मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने एक के लिए उसको जमीन भी उपलब्ध कराने का कहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना में सबको अगले 4 साल में आवास बना करके देने की भी घोषणा की है। अच्छी उपलब्धि होगी। आज के इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आप सबका आभार व्यक्त करता हूं और अनुरोध भी करता हूं कि इसी प्रकार का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद नांदा क्षेत्र के और नांदा नगर के विकास के लिए आप देते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। परसों मंडल की बैठक थी और उस मंडल की बैठक में मैंने कहा था कि हमारा पूरा प्रयास होगा कि बिरला ग्राम में हम झुग्गी झोपड़ियों को पट्टे दिलाएं। और आज मैंने फिर आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से करा और उन्होंने सार्वजनिक रूप से ये कहा है बैठक मीटिंग में आखिरी में कि मैं इसका परीक्षण दिल्ली जरूर कराऊंगा और हो सकता है कि हमारा पूरा प्रयास होगा। मीडिया के साथियों को बताना चाहूंगा कि पारसुतिया का जो डेमो लगभग 3 करोड़ रुपए का बनेगा और लगभग 1000 बीघा जमीन उससे सिंचाई का रकबा, पारसुतिया का जो बागेड़ी नदी पे नया डैम बनेगा वो लगभग 10-1 दिन के अंदर मंजूरी हो जाएगी, उसका अनुमोदन होना है और 1000 बीघे का उससे सिंचाई का रकबा बढ़ेगा और नावटिया, उमरना, पतलासी, पारसुतिया और इधर दड़िया, नायन, ऐसे सारे गांव का उस डैम से फायदा मिलेगा। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। नर्मदा चंबल लिंक की जो सौगात मिली उसके लिए आप सभी को बधाई। साथ में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हम सबके आशीर्वाद दाता और जिनके मार्गदर्शन में हमारा ये पूरा क्षेत्र जहाँ विकासशील बन रहा है और पूरे देश में एक नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे ऐसे माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विकास गुरु विधायक श्री दिलीप शेखावत जी, आदरणीय लाल सिंह जी डाक साहब, आदरणीय अशोक जी, मांगीलाल जी, जीवन भैया, धर्मेंद्र जी, राजेंद्र जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण, उपस्थित मातृशक्ति पत्रकार साथियों, आप सभी का मैं हृदय से आभार करता हूँ। और निश्चित तौर पर आज यह एक स्वर्णिम दिन है जो इस नागदा नगर के लिए और इस क्षेत्र की जनता के लिए जीवन में एक नई ऊंचाई इस क्षेत्र को मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।